तो मैं एक किसान की बेटी होने के नाते मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आज किसानों की जो लड़ाई है उसको लेके और उनका हक लेके यहाँ धरने पे बैठी है। तो मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी जो भाई यहाँ बैठे हैं, किसानों ने धरना शुरू किया है, आपने भी समर्थन दिया है, क्या मांगे हैं? देखो, जो भी सरकार से जो मांग रखी है इन्होंने, ये एक तो 2022 का जो बीमा क्लेम है वो जो किसानों के जो खातों में नहीं आया, तो एक तो उनकी वो मांग है कि जो 2022 का जो बीमा था वो जैसे भी है कि, और जैसे और डिस्ट्रिक्ट का करके सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी बीमा है तो सरकार उसको रोके हुई है, तो ये बीमे की मांग है। पहली तो सबसे बड़ी मांग तो एक बीमे की है, और दूसरी जो मांग है इनकी CSC सेंटर के द्वारा कुछ बीमे रद्द हुए हैं तो उनकी मांगे हैं कि वो भी दिए जाए। और एक जो इनकी मांग है, जो हमारे किसानों की मांग है कि जो सरसम है वो मंडियों में आई और जो भी है सरकार को जितनी ज़रूरत थी वो तो खरीद ली, इसके बाद में आज किसान है तो सारी की सारी उनकी जो भी है सरसों है वो वैसे की वैसे पड़ी है। अब सरकार कहती है कि जैसे भी है 20 क्विंटल जमींदार के सरसों होती है और उसमें ऑनलाइन 20 क्विंटल करवा दी, उसमें 25 क्विंटल हो जाती है तो वो 5 क्विंटल कहाँ लेके घूमेगा। मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये तो देखो सरकार कर रही है, ये तानाशाही नीतियाँ हैं और बगैर काम किसान वर्ग है या कोई भी वर्ग है इसको परेशान करने का काम कर रही है। क्यों स्टार्टिंग से लेके आज तक ये जो सरकार है ये किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार रही है। किसी भी कोई भी वर्ग आता है इसमें, चाहे उसमें किसान वर्ग कर लो, कर्मचारी कर लो, अरिया जैसे भी है, मजदूर भी आते हैं, तो कोई भी आता है, हर जो आज जननायक है, जो भी है हमारे ग्रामीण है, वो इस सरकार से इतने परेशान हो चुके हैं कि बस पूछो मत। क्यों आज जंतर मंतर पे बात आती है तो हमारी बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे, उनके साथ इस तरह के दुष्कर्म हुए हैं, फिर भी सरकार है जो भी जैसे भी उन्होंने बात उठाई तो उनको दबाने का काम कर रही है। तो जहाँ तक तो देखो लग रहा है कि इस सरकार से हम इतनी कोई उम्मीद तो नहीं कर सकते। क्यों आज जो हमारी बेटियां हैं वो हमारे देश का गौरव है। जब गोल्ड मेडल लेके आई थी तब तो मैं प्रधानमंत्री जी बड़े गले लगा के बड़ी 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 बातें करते थे, आज क्या बात है, उनके अंदर कोई दुख पड़ा है तो आज सरकार एक जैसे भी है कोई भी है उनकी बात नहीं सुन रही। और जो ब्रजभूषण है आज उनकी बात आती है तो उनके साथ खड़ी है सरकार, हालांकि बेटियों आज एक साइड जैसे भी है सरकार है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ जो बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं वो सरकार को नहीं दिख रहे। तो भी आपने जो तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या आश्वासन दिया गया है? देखो वहाँ पे जब भी बात हुई है तहसीलदार जी ने यही कहा है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो जायज हैं और जो ये जो मांगे हैं आपकी मैं ऊपर तक पहुँचाऊंगा और जल्द से जल्द इसके जो भी है समाधान निकाला जाएगा। अगर बीमा नहीं आता है तो आगे क्या प्लान रहेगा इस धरने का? देखो ये बीमा नहीं आता है तो मैं हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है हमने उनको समर्थन दिया है, कोई भी किसी तरह कोई भी है अपने जैसे जमींदार है या कोई भी किसी तरह का धरना देगा या जो भी होगा। देखो बीमा नहीं देगी सरकार तो सारे जो भी है हमारे आम ग्रामीण है किसान है वो सारे इकट्ठे होके और यहाँ तक है कि सरकार को हिलाने का काम करेंगे।